हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजार्ड। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन को क्लिनिकल एग्जांपल के साथ इन डिटेल समझे हैं। इस वीडियो में हम लोग ड्रग एक्सक्रीशन को समझने वाले हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ आवर फार्माकोकाइनेटिक लेक्चर सीरीज। ये वीडियो के साथ हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स को खत्म करने वाले हैं और आगे फार्माकोडायनामिक्स को शुरू करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। सो ड्रग एक्सक्रीशन इज अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। लिखते हैं एक साथ, इट इज द फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस यहां पे क्या होता है, इन विच there is the elimination of drug and its metabolite. Okay, elimination of drug or its metabolite. Okay, शरीर से drug या उसका metabolite का निकल जाना, जो एलिमिनेट होने का जो प्रोसेस है, दैट इज द ड्रग एक्सक्रीशन। ओके, अब देखिए हमारा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन से यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और कैसे कैसे एक ड्रग या उसका मेटाबोलाइट शरीर से एक्सक्रीटेड आउट होता है। देखिए मेथड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड। देखिए ड्रग एक्सक्रीशन का जो मेजर ऑर्गन है दैट इज किडनी। ओके, किडनी इज द मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। उसके बाद आता है आपका लंग्स। ओके, आता है आपका लिवर। बेसिकली लिवर के द्वारा जो बाइल सिंथेसिस होता है उस बाइल के माध्यम से ही ड्रग एक्सक्रीशन होता है। ओके, तीसरा आएगा आपका स्किन और ये ऑर्गन नहीं होगा लेकिन मेथड जो है अवेलेबल दैट इज मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। ओके, ये ऑर्गन नहीं है लेकिन एक मेथड ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, देखिए और इसमें से किडनी जो है दैट इज द मेन ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। सो आई होप आपको ये सेक्शन जो है समझ आ चुका है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैसे किडनी के माध्यम से ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। आप सभी जानते हैं किडनी यूरिन फॉर्म करता है और ये यूरिन के माध्यम से ही शरीर में तैयार होने वाले सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट या वेस्ट प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसा कुछ, ये सब किडनी के माध्यम से यूरिन के द्वारा शरीर से निकल जाता है। वैसे ही कोई अगर ड्रग लिया जाए वो और उसका इनएक्टिवेटेड मेटाबोलाइट जो होगा सब किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से शरीर से निकाल दिया जाता है। देखिए कैसे ये होता है। देखिए यहां पे हम नेफ्रॉन का एक बेसिक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है। आप सभी को मालूम होगा कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो एक्चुअली में कवर करता है ये नेफ्रॉन। देखिए पहले हम लोग नेफ्रॉन का एक बेसिक सा डायग्राम देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे कौन कौन से पार्ट इसमें है। ये जो देखिए एक ब्लड वेसल यहाँ पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल और ये जो निकल रहा है यहाँ से दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे देखिए एक कॉयल बनाया है, ये जो कॉयल है कैपिलरीज है दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये जो मतलब कप लाइक शेप है, देखिए जो यू टाइप का जो शेप है दिस इज कॉल्ड द बाउमेंस कैप्सूल। ओके, दिस इज कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल। इस सेक्शन को बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में पीसीटी।
प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस सेक्शन को कहा जाता है द लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। इस सेक्शन को कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। ये पीसीटी, ये डीसीटी, और इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब देखिए हमारा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है किडनी के माध्यम से, वो तीन स्टेप में होता है। स्टेप वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, स्टेप नंबर टू होगा एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, और थर्ड स्टेप होगा पैसिव रीअब्सॉर्प्शन। ओके, ये तीन स्टेप में ड्रग का एक्सक्रीशन होता है थ्रू किडनी। देखिए हम लोग पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को समझने वाले हैं, ये होता क्या है। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये नाम से समझ आ रहा होगा कि ये ग्लोमेरुलस में होगा, यानी यहां पे होगा। बेसिकली होता क्या है, जब ब्लड यहां से आता है, ब्लड के अंदर आपका टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस या ड्रग या उसका मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है। अब यहां पे आके ये जो कॉइल नेटवर्क है मतलब कैपिलरीज का, वहां पे फिल्ट्रेशन होता है। ओके, इनका फिल्ट्रेशन होके वो फिल्ट्रेट इस जो ट्यूब है इसके अंदर आ जाता है। फिल्ट्रेट कम्स इनसाइड द ट्यूब्यूलर लुमेन। ये ट्यूब के अंदर का जो हॉलो स्पेस है उसको लुमेन बोला जाता है, वो लुमेन के अंदर वो फिल्ट्रेट आ जाता है। अब देखिए यहां पे मेनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मेनली 20% ड्रग एक्सक्रीट होता है, यानी 100% अगर ड्रग यहां आए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की मदद से, सिर्फ 20% यहां पे आ पाएगा। यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। देखिए एक एक करके लिखते हैं यहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है। देखिए ओनली 20% ड्रग जो है वहां पे एक्सक्रीट होता है, और यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज। ओके, द लेस द मॉलिक्यूलर साइज द मोर विल बी एक्सक्रीशन। क्यों? क्योंकि देखिए पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, जितना लो मॉलिक्यूलर वेट और लो मॉलिक्यूलर साइज होगा, पार्टिकल साइज कम होगा, ये आसानी से फिल्टर मतलब फिल्टर होने के बाद यहां पे आ सकता है और यहां से निकल सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा जो फैक्टर यहां पे इन्वॉल्व होता है, दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। ओके, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। अब आप यहां पे वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से सोचने का कोशिश कीजिए कि अगर ड्रग प्रोटीन बाउंड स्टेट में यहां पे आता है तब उसका फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा या कम होगा। इसका सही जवाब है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा हो तो ड्रग का एक्सक्रीशन रेट कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग के माध्यम से उसका पार्टिकल साइज बड़ा हो जाता है, जो यहां पे फिल्ट्रेशन के लिए असुविधाजनक हो सकता है। ओके, सो द लेस द प्रोटीन बाइंडिंग द मोर विल बी द एक्सक्रीशन। ओके, थर्ड स्टेप जो है दैट इज द रेनल ब्लड सप्लाई। ये कैसे, देखिए अगर यहाँ पे रेनल ब्लड फ्लो अगर कम हो जाए देन द प्रेशर विल बी लेस, प्रेशर यहाँ पे कम होगा, और प्रेशर कम होने के कारण यहाँ पे फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, ये रेट कम हो जाएगा, और इसके चलते ही आपका एक्सक्रीशन का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रग एक्सक्रीशन प्रोसेस थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं अबाउट द एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। देखिए एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में होता क्या है, वो प्रोसेस एक्चुअली होता है पीसीटी में, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां पे आपको तो सिर्फ दिखा है ये
एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल, बेसिकली ये यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होता है, ऐसे ऐसे इंटरकनेक्टेड होता है। आप अगर कोई भी स्टैंडर्ड फिजियोलॉजी का किताब देखिएगा, वहां पे आपको देखने में मिल सकता है कि ये जो आर्टेरियोल्स है बेसिकली यहाँ पे आके ऐसे ऐसे कॉइल्ड होते हैं यहाँ पे, ओके, फुल्ली कॉइल्ड होता है यहाँ पे, ऐसे कॉइल्ड होता है। अब देखिए, जो ड्रग यहाँ पे मतलब फिल्टर हो नहीं पाया, ओनली 20% यहाँ पे फिल्टर हुआ है, बाकी जो 80% ड्रग होगा वो सबसे पहले पीसीटी में आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आएगा। वहां पे आने के बाद देखिए, ये जो है एक्टिव प्रोसेस है, नाम से समझ आ रहा होगा, एक्टिव प्रोसेस यानी यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो रिमेनिंग 80% जो ड्रग यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट था वो वहां पे एक्सक्रीट होता है, यानी 20% यहाँ पे, बाकी 80% यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे होता क्या, देखिए एक कैरियर प्रोटीन का मौजूदगी चाहिए हमें, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप लोग पढ़े होंगे पहले कि एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो ड्रग को एक पॉइंट से दूसरा जगह में ले जाएगा। देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीजीपी, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मतलब मजे की बात यह है, पार्टिकल साइज डजंट मैटर, यानी ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है ये पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता नहीं है। क्यों करता नहीं है, देखिए यहाँ पे जो मतलब पंप रहेगा, पीजीपी रहेगा, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो पंप रहेगा यहाँ पे, वो साइज में ड्रग कितना भी बड़ा हो वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके उसको अंदर ले सकता है। इसीलिए अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करके भी आए उसे भी ये अंदर कर ले सकता है, ओके। सो प्रोटीन बाइंडिंग डजंट मैटर इन दिस केस ऑफ एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, प्रोटीन बाइंडिंग Does not matter. Okay. और यहाँ पे जो एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरह का होता है, मेनली फॉर एसिडिक ड्रग के लिए एक अलग सा पाथवे होता है, और एल्कलाइन या बेसिक ड्रग के लिए एक अलग पाथवे होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैसिव ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, ओके। देखिए पैसिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है, रीअब्सॉर्प्शन आप समझ सकते होंगे कि एब्सॉर्प्शन आप जानते हैं जहां पे दिया गया है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वहां से ब्लड तक आना होता है एब्सॉर्प्शन। अब रीअब्सॉर्प्शन क्या होगा, मान लीजिए जो फ्लूइड यानी जो फिल्ट्रेट यहाँ पे इस ट्यूब्यूल के अंदर आ चुका है, जो ट्यूब्यूलर लुमेन में आ चुका है, जो यूरिन के माध्यम से अभी कुछ देर में निकलने वाला है, वहां पे ऐसा कुछ आ जाए जो शरीर के लिए जरूरत ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है जो आयन्स होता है, इंपॉर्टेंट आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये आयन्स जो है वो शरीर के लिए जरूरी होता है, और इसीलिए बॉडी मतलब नेफ्रॉन करता क्या है, उस आयन्स को फिर से ब्लड में वापस ले लेता है, यानी ये जो फिल्ट्रेट था उसमें से वापस ब्लड में आना, दिस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर कोई ड्रग उसका पार्टिकल साइज या उसका कोई फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो एक्सक्रीशन करने के लायक ना हो तो फिर से वो ब्लड में आ सकता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपेंस इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे ये प्रोसेस संपन्न होता है। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, लिपोफिलिसिटी यानी एक ड्रग का लिपिड सोलिबिलिटी नेचर कैसे होना है। आपको बताए थे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना, ओके, सो दैट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड। अब देखिए कुछ ड्रग अगर लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट ना हो पाए तो वो आसानी से ये लिपिड बैरियर को क्रॉस करके पैसिव डिफ्यूजन के माध्यम से वापस ब्लड में आ सकता है, ओके। So we need to convert the lipophilic drug into hydrophilic. Next point is the pKa value of the drug. The pKa value
ऑफ द ड्रग. और यहां से ही आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज द पीएच ऑफ यूरिन. ये पीके और पीएच, इसके बारे में जो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन है वो आप बायोकेमिस्ट्री के किताब से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. देखिए ये पीएच ऑफ यूरिन कैसे इंटरफेयर करता है यहाँ पे, और इस पीएच ऑफ यूरिन को मॉडिफाई करके, एडजस्ट करके हम लोग कैसे क्लिनिकल थेरेप्यूटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इसे. देखिए कैसे हम लोग यूरिन का पीएच को मैनिपुलेट करके उसे थेरेप्यूटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें मालूम है कि एसिडिक ड्रग्स, जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो एसिडिक पीएच में अनआयोनाइज्ड होते हैं. अनआयोनाइज्ड कहां पे? एसिडिक पीएच में. अब देखिए वो एसिडिक पीएच को अगर हम लोग एल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट कर दे, तब होता क्या है, वो एल्कलाइन पीएच में एसिडिक ड्रग का आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होने के बाद वो इजीली वाटर सोल्यूबल होके निकल सकता है और उसका रीअब्सॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा. इसी को हम लोग काम में लगाते हैं इन केस ऑफ एनी यूरिन इन्फेक्शन. बहुत सारे ड्रग्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल है, जैसे एल्कासोल या यूरिलाइजर, ये जो ड्रग्स अवेलेबल है वो करता क्या है, आप जब ओरली इंटेक करेंगे इसे, वो यूरिन का पीएच को एसिडिक से एल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करता है. ओके, एल्कासोल देखिए नाम में मालूम होगा, एल्कलाइन से आता है ये एल्कासोल, और वो एल्कलाइन पीएच में एसिडिक ड्रग या उसका मेटाबोलाइट जो होगा इजीली आयोनाइज्ड होके यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा, एंड दैट कैन नॉट क्रिएट एनी हार्म टू द किडनी और टू द एंटायर बॉडी. सो दिस इज द थेरेप्यूटिक बेनिफिट ऑफ द कन्वर्शन ऑफ यूरिन पीएच. सो आई होप ये सेक्शन जो है आपको समझ आ चुका है. देखिए नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं कैसे बाइल के माध्यम से ड्रग का एक्सक्रीशन होता है. देखिए देखिए बाइल जो होता है वो आपके लिवर में बायोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से बाइल सिंथेसिस होगा. वो सिंथेसाइज्ड बाइल आपके गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है, और वहां से बाइल डक्ट के द्वारा वो आपके कोलन में रिलीज होता है. अब देखिए जो बॉडी में जो ड्रग इंटेक किए हैं आप, वो ड्रग या उसका मेटाबोलाइट जो प्लाज्मा में मौजूद है वो आके आपके लिवर से आता है. दैट ड्रग्स कम्स इनटू द लिवर थ्रू ब्लड. ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है लिवर में, और वो बॉडी में पूरा जो ड्रग है उसका मेटाबोलाइट है वो ब्लड के माध्यम से लिवर में आके पहुंचता है. लिवर उसे भेजता है बाइल के पास, यहाँ पे भेज देता है बाइल में. और ये जो मतलब बाइल है जिसमें वो ड्रग या उसका मेटाबोलाइट आके मिल चुका है वो रिलीज होता है आपके कोलन में. अब देखिए यहाँ पे एक मतलब दो ठो ऑप्शंस अवेलेबल होता है. देखिए पहले आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं. यहाँ पे ड्रग इन प्लाज्मा, ड्रग या उसका मेटाबोलाइट, इट कम्स इनटू द लिवर. लिवर में आएगा ब्लड सप्लाई के द्वारा, लिवर वो भेजेगा इनटू द बाइल, इनटू बाइल, बाइल में भेज दिया है वहां पे. यहां से इसके पास दो ऑप्शंस खुल जाते हैं. फर्स्ट वन इज देखिए यहां पे अगर रिलीज हुआ कोलन में तो वहां से एक सीधा ऑप्शन है फिशीज के माध्यम से, यानी स्टूल के माध्यम से ये रेक्टम और एनस होके निकल जाए. ओके, फर्स्ट वन इज एक्सक्रीशन थ्रू फिशीज या स्टूल. दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आपको पता है यहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन में पढ़ाए थे. यहां पे देखिए सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटरिक वेन, यहां से गैस्ट्रिक वेन आके पोर्टल वेन में मिलता है, और वो पोर्टल वेन जाके आपके लिवर में जुड़ता है. ओके, ये आपको पता होगा.
अब देखिए, जो ड्रग यहाँ पे वायल में मौजूद था वो यहाँ पे रिलीज हुआ है, मान लीजिए ये सब ड्रग्स है, वो यहाँ से इस सुपीरियर मेसेंटरिक वेन के द्वारा पोर्टल वेन और पोर्टल वेन से लिवर में रिटर्न आ जाए। ओके, देखिए, बाइल में आने के बाद वो कोलन में आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहां से सुपीरियर मेसेंटरिक वेन और वहां से पोर्टल वेन, इसके माध्यम से फाइनली वापस देखिए लिवर में जाके मिल गया वो, यानी जहां से वो आया था वहां से रिटर्न चला गया। दिस इज कॉल्ड एंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन, यानी लिवर से आया था सुपीरियर मेसेंटरिक वेन, इन वहां से पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन के माध्यम से वो वापस आपके लिवर में पहुंच गया। ये जो सर्कुलर, मतलब जो सर्कुलर पाथवे है, दैट इज कॉल्ड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अब देखिए, बाइल के माध्यम से ड्रग एक्सक्रीशन एक फिशीज के द्वारा हो गया, वो निकल गया, लेकिन वो अगर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन का जो लूप है वहां पे फंस जाए तो देखिए ड्रग का एक्सक्रीशन जल्दी नहीं होगा। देखिए यहां से फिर आएगा, वहां से फिर रिटर्न चला जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा यहाँ पे। दिस विल कॉज द प्रोलोंगेशन ऑफ द ड्यूरेशन, दिस विल कॉज द प्रोलोंगेशन ऑफ ड्यूरेशन। ओके, यहां पे बहुत सारे ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटॉक्सिन जो है, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन, या बहुत सारे और भी ड्रग्स है, जैसे आपका क्विनाइन, कोल्चिसिन, ये सब ड्रग्स बाइल के द्वारा एक्सक्रीट होता है। सो आई होप ये जो सेक्शन है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट जो होगा, दैट इज द ड्रग एक्सक्रीशन प्रोसेस थ्रू लंग्स। ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला बात है नहीं। जो बेसिकली इनहेल ड्रग्स है, जैसे इनहेल एनास्थेटिक्स होता है, इनहेल एनास्थेटिक्स में आएगा आपका हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, ये सब ड्रग्स, और उसमें आएगा अल्कोहल, ये ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा एक्सहेलेशन के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। ये बहुत ही आसान था, सो आई होप आपको ये जो है समझ आ चुका होगा। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज ड्रग एक्सक्रीशन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो लैक्टेटिंग वुमन है वो जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तब अगर वो औरत कोई ड्रग लेती होगी तो उसका मेटाबोलाइट ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से वो बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, और उस बच्चे में कुछ एबनॉर्मेलिटीज या कोई डिजीज डेवलप हो सकता है। तो देखिए ये कैसे काम करता है। बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क का जो पीएच होता है, ब्रेस्ट मिल्क का जो पीएच होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके, मेनली 6.35 से 7.35 के आसपास ये रहता है। सो बेसिकली ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। अब जो एल्कलाइन ड्रग्स होता है, एल्कलाइन ड्रग्स वो प्लाज्मा में तो मतलब अनडिसोसिएटेड स्टेट में ही रहते हैं, प्लाज्मा। अब वो अनडिसोसिएटेड स्टेट में से जब वो मेमरी एपिथेलियम, आप एनाटॉमी में देखेंगे देखेंगे जो फीमेल ब्रेस्ट का जो एनाटॉमी है वहां पे मेमरी एपिथेलियम रहता है। अब वो अनआयोनाइज्ड या अनडिसोसिएटेड होने के चलते वो मेमरी एपिथेलियम के माध्यम से वो डिफ्यूज हो सकता है, उसके आर पार अक्रॉस द मेमरी एपिथेलियम वो डिफ्यूज हो सकता है, डिफ्यूज्ड थ्रू
मेमोरी एपिथेलियम, ओके। अब मेमोरी एपिथेलियम को डिफ्यूज करके वो ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंच सकता है, गेट इनटू द मिल्क, इनटू द मिल्क। अब देखिए मिल्क का पीएच स्लाइटली एसिडिक होगा और एल्कलाइन ड्रग्स एसिडिक पीएच में जाके आयोनाइजेशन होता है उसका, आयोनाइजेशन ऑफ एल्कलाइन ड्रग्स, ठीक है। अब देखिए ये आयोनाइज्ड होने के बाद वापस डिफ्यूज होके मतलब नहीं जा सकता, वहां पे मिल्क के अंदर वो ट्रैप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड आयोन ट्रैपिंग। आयोनाइज्ड होने के बाद दैट इज ट्रैप्ड, फंस गया अंदर इनटू मिल्क। अब वो मिल्क अगर बच्चे को पिलाया जाए तो उस बच्चे के अंदर वो ड्रग जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, दैट कैन कॉज एनी टाइप ऑफ सीरियस और सीवियर मॉडरेट जैसा भी हो डैमेज कर सकता है बच्चे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब कोई नर्सिंग मदर होती है, जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती है, उनमें कोई ड्रग अगर प्रिस्क्राइब करना हो सबसे पहले वो चेक करना होता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से वो ट्रांसफर होता है या नहीं। सो दिस वॉज वेरी क्रूशियल टॉपिक, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू RX विजर्ड। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।